मलाड़ पश्चिम विधानसभा से भाजपा की नगर सेविका जया सतनाम सिंह तिवाना के प्रयासों द्वारा तथा मुंबई महापालिका की विशेष निधि से निर्मित किए गए स्विमिंग पूल का उद्घाटन उत्तर मुंबई लोकसभा सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी द्वारा किया गया। इस उद्घाटन समारोह में सैकड़ों स्थानीय रहवासी उपस्थित रहे और सभी ने मलाड़ पश्चिम की नागरिकों के लिए नगर सेविका जया तिवाना जी द्वारा शुरू किए गए इस जल तरण तालाब के प्रति अपना समर्थन दिया। यह स्विमिंग पूल महापालिका द्वारा रहवासियों के लिए शुरू किया गया मलाड़ का पहला स्विमिंग पूल है। मलाड़ के माध्यम वर्ग के लिए शुरू किए गए इस पूल का लोकार्पण मलाड़ पश्चिम वार्ड नंबर 47 में एक नया उपक्रम है जिसका फायदा सभी सामान्य माध्यम वर्गीय परिवारों को होगा। उद्घाटन समारोह में उपस्थित सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि तिवाना परिवार सदैव जनसेवा में विशेषकर मलाड़ में अग्रकर रहा है और मलाड़ के विकास के लिए कटिबद्ध है। साथ ही सांसद श्री गोपाल शेट्टी द्वारा पूर्व नगर सेवक श्री सतनाम सिंह तिवाना का भी सत्कार किया। नगर सेविका जया तिवाना ने इस उद्घाटन समारोह पर खुशी जताई और मीडिया से कहा कि मलाड़ पश्चिम के विकास के अनेक प्रकल्प उनके द्वारा आगामी समय में शुरू किए जाएंगे और चल रहे प्रकल्प का उद्घाटन भी सिद्ध किया जाएगा। ये मलाड़ लिबर्टी गार्डन परिसर का एरिया है। यहाँ पर आपने देखा कि ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका ने बहुत ही अच्छा एक जलतरण स्विमिंग पूल बनाया है। ये इसका अभी हमने औपचारिक रूप से उद्घाटन तो कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते के पर यानी 2023 में इसमें लोग आना जाना प्रारंभ करेंगे। एक बहुत अच्छी सुविधा मलाड़ के लोगों को मिला है। हमारी नगर सेविका जया बहन तिवाना का इसमें बड़ा योगदान है। हम आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोगों को इसकी सुविधा कैसे मिले उसका हम प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे तो बगल में एक जो नाला जा रहा है उसको नाला को लगकर एक बहुत बड़ा लगभग 3 एकड़ का प्लॉट एक व्यक्तिगत व्यक्ति ने उसको कब्जा किया था। कलेक्टर के पीछे मैं सांसद बनने के बाद में सतनाम तिवाना ने तेजिंदर तिवाना ने और सतनाम तिवाना ने मेरे ध्यान में ला कर दिया। जया बहन भी उसमें थी और हम कलेक्टर के पीछे पड़कर वो सारा ज़मीन का कोर्ट कचहरी का सारा मामला सुलटा कर ये जो प्लॉट है वो महानगर पालिका के हाथ में हमने दिया है। वो आने वाले दिनों में हम वहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड डेवलप कर रहे हैं। ये मलाड़ का लिंक रोड को लगा हुआ एक बहुत ही सौंदर्य इसका आप सबको देखने के लिए मिलेगा। और उसके साथ साथ में मैंने बताया कि CPW का जो ग्राउंड बहुत दिनों से मंजूर होने के बाद में भी काम जिसका शुरू नहीं हो रहा था, पार्लियामेंट में मैंने फिर एक बार आवाज़ उठाई, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। मालूनी में हम 2 ग्राउंड का डेवलपमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे रास्तों को इंटरकनेक्टेड करने का जो बहुत दिनों से पेंडिंग था वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ख़ास करके जो मड वर्सोवा का जो ब्रिज है वो भी अंतिम चरण पर है। मैं विकास आघाड़ी सरकार के समय पर आदित्य ठाकरे जी के पास वो फाइल पड़ा हुआ था एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया। अभी नई सरकार आई है तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आने वाले बरसात के बारिश के पहले इसका ब्रिज का काम भी शुरू हो जाएगा तो बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि उसका स्पैन बहुत छोटा है। जल्दी वो ब्रिज बन जाएगा तो जो ट्रैफिक पूरा यहाँ पर मलाड़ SV रोड और लिंक रोड पर आता है तो पूरा का पूरा ट्रैफिक मड से होते हुए अंधेरी वर्सोवा पर डाइवर्ट हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मलाड़ के लोगों को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे विकास के काम हैं जिसको हम आने वाले 1.5 साल में पूरा करने का प्रयास करेंगे।